और इसी जगह पे शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने की, जगह वही है। और सूर्य ग्रहण पे एक बार द्वारका से कृष्ण भगवान यहाँ स्नान करने आए, तो ये जो जगह है वो आदिकाल से 5 लाख लोग एक साथ में स्नान कर सकते और यहाँ रह सकते हैं। यहाँ देखो वैसे 4 किलोमीटर राउंड के अंदर बनाए हुए। तो ये द्वापर से पहले की बात है, तो पहले से आदिकाल से, आदिकाल से वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई सरोवर नहीं है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई सरोवर नहीं है। हाँ जी। ब्रह्म सरोवर आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आप सभी को यहाँ पे दर्शन करके? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी को हम दर्शन कराते हैं ब्रज मंडल में, हम आप सभी को अनसीन प्लेस के दर्शन कराते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जहाँ पे लीलाएं हुई हैं उन सभी के हम आप सभी को दर्शन कराते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम आप सभी को अनसीन प्लेस का दर्शन कराएं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की गुप्त लीलाएँ हुई है। लेकिन आप सभी हमसे काफ़ी समय से बोलते आ रहे थे कि मोहित जी हमें दर्शन कराइए, महाभारत जहाँ पे हुई है वहाँ के दर्शन कराइए, आप हमें कुरुक्षेत्र के दर्शन कराइए। आज आप सभी को दिल्ली से काफ़ी दूर हम आए हैं दर्शन कराने के लिए। जिस प्रकार हम आप सभी को मथुरा लेकर जाते हैं दिल्ली से, उसी की तरह हम यहाँ पे आए हैं दिल्ली से काफ़ी दूर। जितना समय हमें ब्रज में लगता है उतना ही समय हमें यहाँ पे लगा पहुँचने में। आप सभी को आज हम दर्शन कराने के लिए कहाँ पे लेके आए हैं वो मैं आप सभी को बताता हूँ। मैं हूँ उस टाइम पर ब्रह्म सरोवर पर, यानी कि जहाँ पे ब्रह्म सरोवर मौजूद है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे हम आप सभी को लेकर आए हैं। आज हम आप सभी को यहाँ के दर्शन कराएंगे, यहाँ की लीला जो है वो बताएंगे और समीप अंदर लेके चलेंगे मंदिर के अंदर। पूरी कोशिश करेंगे हम आप सभी को दर्शन कराने की। मेरे बैक साइड में है वही मंदिर जो कुरुक्षेत्र में यहाँ पे सरोवर में बिल्कुल बीच सरोवर में मौजूद है, वहाँ पे लेके चलता हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए और देखते हैं हमें किस तरीके से यहाँ पे दर्शन होते हैं और यहाँ पे क्या भगवान की लीला है। क्योंकि यहाँ पे आज मैं भी पहली बार आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए और स्वयं दर्शन करने के लिए। ये है वो सरोवर, शंखनाद हो गया है और आनंद पूर्वक दर्शन हो रहे हैं। ये है वो विशाल सरोवर जिसके बारे में हमें बताया गया था और जिसके लिए ही यहाँ पे हम स्पेशली आए हैं दर्शन करने और आप सभी को कराने के लिए। साथ ही वो है वहाँ पे ब्रह्म सरोवर पे जो मंदिर मौजूद है महादेव जी का, वो वहाँ पे मौजूद है। हम आप सभी को वहाँ पर भी लेके चलेंगे और दर्शन भी कराएंगे। ये सरोवर अपने आप में बेहद विशाल सरोवर है। अब तक हमने जितने सरोवर आप सभी को दर्शन कराए हैं उन सरोवरों में से सबसे विशाल ये सरोवर है। यही वो रास्ता जाता है मंदिर के अंदर, चलते हैं और आप सभी को दर्शन भी कराते हैं। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में हम जानना चाहते थे कि यहाँ पे ब्रह्म सरोवर का क्या महत्व है और यहाँ की क्या लीला है। बोलो सर्वेश्वर महादेव की जय। ये है ब्रह्म सरोवर। जी महाराज जी, ब्रह्मा जी ने आदिकाल में, जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले यहाँ यज्ञ किया था जी। ये ब्रह्मा जी का यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड, हाँ, इसलिए इसका नाम है ब्रह्म सरोवर जी। और इसी जगह पे शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने की, जगह वही है, बाकी तो सब बनता रहता है बदलता रहता है। यहाँ पे जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी का स्नान का विशेष महत्व इस स्थान पे, इस स्थान जी।
सूर्य ग्रहण वाले दिन यहाँ पे स्नान करने से 101 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है जी। तो सूर्य ग्रहण वाले दिन यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, पूरे पूरा खसाखस भर जाते हैं, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और हर महीने की अमावस के दिन यहाँ स्नान होता है और पितरों की शांति के लिए पिंडदान तर्पण श्राद्ध वगैरह यहाँ घाट होता है। तो ऐसा कहते हैं महाभारत के पहले माता कुंती और 5 पांडवों ने यहाँ बैठ के पूजा की इसी जगह पे। और सूर्य ग्रहण पे एक बार द्वारका से कृष्ण भगवान यहाँ स्नान करने आए। तो ये जो जगह है वो आदिकाल से। तो ऐसा पहले तो खुला तालाब था, तो गवर्नमेंट ने सरोवर 1979 में पक्का बना दिया। 1979 में जी। 5 लाख लोग एक साथ में स्नान कर सकते और यहाँ रह सकते। यहाँ देखो वैसे 4 किलोमीटर राउंड के अंदर बनाया है। ये 4 किलोमीटर के अंदर है? हाँ, 4 किलोमीटर है पूरा, 4 किलोमीटर। और इसमें जो पानी है वो भरा जाता है बाकड़ा नंगल डैम है, इसकी कैनाल यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे बाकड़ा नहर, वहीं से पानी की सप्लाई करते हैं मोटर से। महाराज जी कितना गहरा होगा ये? ये 15 फीट गहरा है, नीचे कच्चा है जमीन जी। जमीन में पानी अपने आप सूख जाता है, 2-3 फुट पानी कम हो गया फिर इसमें पानी भरा जाता है। भर जाएगा तो बंद कर देगा, कम हो जाए तो भर देगा, हमेशा ऐसा न ऐसा जल रहता है, ऐसा ही रहता है जल से। तो ये ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्मा जी का यज्ञ कुंड। महाराज जी जैसे कि हम ये मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे शिव परिवार है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ही स्थापना करी है, शिवलिंग की स्थापना की है। जगह वही है, जगह बाकी तो सब बनता रहता है, बदलता रहता है। तो ये द्वापर से पहले की बात है? तो पहले से, आदिकाल से। तो महाराज जी बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पे हमें दर्शन हुए और बहुत आनंद पूर्वक आपने यहाँ की कथा सुनाई, और बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे महाराज जी? मेरा नाम है सदानंद जी। सदानंद जी कितना समय हो गया महाराज जी सेवा? मैं यहाँ 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। 20 साल बहुत आनंद पूर्वक हमें यहाँ पे सेवा सुनाई आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के महाराज जी। राधे राधे महाराज। समीप लेके जाता हूँ एक बार कैमरा और आप इस चीज को फील करो, श्री राधा रानी का रूप बेहद सुंदर रूप है। और साथ ही आपको यहाँ पे से ही दर्शन होते हैं महादेव के। से आप बाहर जा सकते हैं, ये निकास द्वार है और अभी हम आप सभी को यहाँ पर भी दर्शन कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो ये सरोवर है ब्रह्म सरोवर कितना विशाल है। जिस प्रकार महाराज जी ने हमें बताया कि इसकी जो परिक्रमा है पूरी चारों तरफ कुंड की, वो कम से कम 4 किलोमीटर में है, और जो कुंड है वो इतना विशाल है कि जिसका जो पानी है वो कभी सूखता नहीं है,
आपने जैसे कि सुना महाराज जी से भी, उन्होंने बहुत आनंद पूर्वक आपको सभी को बताया कि किस प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी की क्या लीला रही है। और अब हम आप सभी को लेके चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर से ही हम आप सभी को आगे के दर्शन करा के बाहर लेके चलते हैं। आशुतोष तुम्हें अवडर दानी, आरत हरिउ दीन जन जानी, सुनसी असत्य असी सहमाई, जय मनो कामना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही विशाल ये सरोवर है। दूर दूर तक आपकी जो नज़र जाएगी वो आप देखेंगे कि कितना विशाल ये सरोवर है। मैंने आप सभी को जितने दर्शन कराए हैं अपने चैनल पे, उन सभी स्थानों में से सबसे बड़ा सरोवर ये है, क्योंकि इतना बड़ा हमने सरोवर अब तक कोई भी कवर नहीं कराया चैनल पर। और कहा यह भी जाता है कि ब्रह्म सरोवर जो है वो बेहद खूबसूरत भी है और बहुत बड़ा भी है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमें अनुभव भी हो रही है कि सच में ये सरोवर बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और साथ ही बहुत विशाल ये सरोवर है, जिसकी जिसे कहते हैं आप यहाँ पे स्वयं आएंगे तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सारी टोले यार रखी है मंडली। आप चंडीगढ़ से, कैसा लगा आपको यहाँ पे दर्शन करके? अच्छा लगा दर्शन करके? पहली बार आए, पहले भी आ चुके हैं? तो आप लोगों को देखकर अच्छा लगा यहाँ पे भक्त जन? आज भोलेनाथ ने मैं भी करा दिया तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा। काला जी ने बुलाया मेरे क्षेत्र में, आओ देखो हमने क्या क्या किया है। नहीं, बहुत अच्छा लगा, हम भी पहली बार आए यहाँ पे, हम लोग दर्शन करने आज पहली बार आए सभी को दर्शन कराने के लिए। और आने के बाद हमें यहाँ पे भक्तजन काफी मिले और इस प्रकार आनंद आ रहा है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते आनंद। सभी भक्तजन आए हुए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, आप सभी यहाँ पे जरूर आए। हम हैं इस टाइम पर कुरुक्षेत्र में, यह है ब्रह्म सरोवर, आनंद पूर्वक दर्शन हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को यहाँ पे दर्शन? आज मैं आया हूँ आप सभी के लिए कुरुक्षेत्र में। आप सभी की हमारे पास में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत पहले से कि मोहित जी हमें दर्शन कराइए कुरुक्षेत्र में, महाभारत जहाँ पे हुई है, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वहाँ पर भी हम आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर भी दर्शन कराएंगे। लेकिन आज मैं जहाँ पे लेके आप सभी को, ये है ब्रह्म सरोवर। यहाँ पे मेरी काफ़ी समय से इच्छा थी यहाँ पे आप सभी को दर्शन कराने की और स्वयं दर्शन करने की भी। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे बैक साइड में है ये वही मंदिर जो ब्रह्म सरोवर पे मौजूद है। और मेरे राइट साइड में, यानी कि मेरे बिल्कुल फ्रंट साइड में, यहाँ पे है ब्रह्म सरोवर, जिसकी व्याख्या करना मेरे शब्दों में, मैं किसी भी रूप में आपको बयां नहीं कर सकता, क्योंकि एक ये सरोवर इतना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है, साथ ही ये सरोवर इतना विशाल है कि आज तक शायद ही मैंने कोई यह सरोवर इतना विशाल देखा हो और आप सभी को दिखाया हो। तो मैं आप सभी को एक झलक दिखाना भी चाहूँगा इस सरोवर की, आप देखिए और ये बताइएगा आपने कभी ऐसे इतने बड़े सरोवर के दर्शन करे हैं इससे पहले। ये है ब्रह्म सरोवर, आपने जैसे कि देखा, हम आप सभी को
इस सरोवर की चारों साइड दिखाएंगे। ये थी अभी इसकी एक साइड, और अभी आप देखेंगे कुंड के सामने की तरफ भी यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के सामने की तरफ में भी यहाँ पे उतना ही स्पेस है, यानी कि उतना ही विशाल ये रूप में फैला हुआ है ये सरोवर, और साथ ही मंदिर के बैक साइड में भी सरोवर है। यहाँ पे बताया जाता है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ यहाँ पे परिक्रमा बनाई गई है जो कि 4 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। वो परिक्रमा हमें, जैसे कि पुजारी जी ने भी बताया, वो सब आपने सुना और आपने जाना भी। हम आप सभी को लेके चलते हैं आगे की ओर और आगे आपको दर्शन कराते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये है हमारा कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में सेकंड विजिट। फर्स्ट टाइम पर जब हम यहाँ पे आए थे, उस टाइम पर हमें कोई गाइड नहीं मिला था और हम लोग शूट करके चले गए थे जितना भी हम कवर कर सकते थे। ये मैंने दोबारा सेकंड विजिट किया है और आज हमें मिले हैं यहाँ पे गाइड, जिनका नाम है प्रवीण भारद्वाज, और वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। वो आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे ब्रह्म सरोवर के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में। जानते हैं उनसे और आगे की कथा उनसे सुनते हैं। राधे राधे प्रवीण जी। राधे राधे जी। प्रवीण जी, यहाँ की कथा के बारे में आप हमें बताइएगा, जो यहाँ का महत्व है, जो यहाँ का इतिहास है। ऐसा जी, ये है कुरुक्षेत्र धाम, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर। तो राजा कुरु जी थे, राजा कुरु जी को जो है शरीर में कुष्ठ रोग लगा हुआ था। उस टाइम सरोवर में इसमें पानी नहीं था, तो ये कच्चा था। उन्होंने मिट्टी से अपना लेप किया शरीर के ऊपर, उनका कुष्ठ रोग जो है शरीर ठीक हो गया। फिर इसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, हमन यज्ञ किया, तपस्या करी, उनके नाम से इसका नाम जो है ब्रह्म सरोवर रखा गया। 52 किलोमीटर युद्ध के अंदर क्षेत्र में युद्ध हुआ, 48 कोस के अंदर। तो यहाँ पर बड़े बड़े दूर से, ऑल इंडिया से श्रद्धालु पूजा पाठ करने, स्नान करने यहाँ पर आते हैं, दान पुण्य करते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है यहाँ पर, जो कि अभी 7 दिसंबर से लेकर और 24 दिसंबर तक चलेगी। ऑल इंडिया से, हर वर्ल्ड से दुकानदार यहाँ पर आते हैं। मेला बड़ी धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है। प्रवीण जी, यहाँ पे हम आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। हम पहले आए थे दर्शन करने, तो हमें पुजारी जी ने बताया था कि मंदिर की जो परिक्रमा है ये 4 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। हाँ जी। और यहाँ पे जितने भी हम चित्रकलाएं देख रहे हैं, मैंने आपको जैसे कि दिखाया भी है, मैं सामने बताना भी चाहूँगा, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी चित्रकलाएं हैं, इसमें क्या क्या दर्शाया गया है? इसमें चित्रकलाएं हैं जी, महाभारत टाइम के समय से जो भी है, ये सारी गीता जयंती के महोत्सव पर बनाई गई थी, और काफ़ी टाइम हो गया इनको, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, इनके देखते हैं। रात्रि में और आनंद आता होगा इनको देखने में? रात्रि में जगमग होती है यहाँ पर, लाइटें चलती हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था बनती है, अच्छा लगता है देखने में। और रात्रि में यहाँ पे मंदिर कितने बजे तक खुला रहता है? मंदिर रात्रि में खुले रहते हैं 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक। और सुबह? सुबह 3 बजे खुल जाते हैं। सुबह 3 बजे खुल जाता है। यहाँ दोपहर में जैसे शयन होता है, वो उस टाइम ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पे? नहीं है। प्रवीण जी, एक बात और बताइएगा हमें, जैसे कि हम परिक्रमा के तो देख रहे हैं कि 4 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो यहीं से प्रारंभ होती है परिक्रमा, जहाँ से हम, जहाँ पे हम खड़े हैं? हाँ जी, ये 4 किलोमीटर की परिक्रमा है, यहीं से शुरुआत होती है और यहीं पे आकर के ये ख़त्म हो जाती है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा साथ में कि आप ये जो देख रहे हैं, यहीं से आरंभ होता है परिक्रमा का। अगर आप देखेंगे दूर तक आपकी नज़र जाएगी, तो आपको सामने की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा, अब ये एक तो विशाल सरोवर है और उसके साथ साथ ये परिक्रमा चल रही है। आप कंप्लीट पूरी परिक्रमा कर सकते हैं इस सरोवर की, और आके जो समापन है वो यहीं पर ही होता है। सरोवर जो इतना विशाल है, इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? इसके बारे में ये है जी, सरोवर ब्रह्म सरोवर जो है, ये एशिया में सबसे एक नंबर पे आता है, वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई सरोवर नहीं है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई सरोवर नहीं है। हाँ। मैं आप सभी को जो बता रहा था कि मंदिर के बिल्कुल ही बैक साइड में आपको ये सरोवर देखने को मिलता है, जो कि उतना ही बैक साइड और है जितना ये सामने की तरफ आपको दिखा था, और काफ़ी विशाल ये सरोवर है। अब सरोवर के चारों तरफ ही आपको वो परिक्रमा मार्ग दिखता है, जो आप यहाँ पे परिक्रमा कर सकते हैं।
तो ये था ब्रह्म सरोवर, जिसके हम आप सभी को स्पेशली दर्शन कराने के लिए आए हैं काफ़ी दूर से, यानी कि दिल्ली से। और यहाँ पे भी हमें उतना ही समय लगा है जितना हमें ब्रजमंडल में जाने में लगता है, यानी कि 3 से 4 घंटे लगते हैं हमको वहाँ पर जाने में। उतना ही आप कह सकते हो हमें यहाँ पर भी लगा है, लेकिन हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे तो यहाँ पर थोड़ा हम वहाँ से जल्दी पहुँच गए, यानी कि ब्रज जाने में हमें जितना समय लगता है उससे थोड़ा सा हमें कम समय लगा यहाँ पर आने में। लेकिन आनंदपूर्वक दर्शन हुए हमें यहाँ पर, आप सभी को हमने जो दर्शन कराए वो था ब्रह्म सरोवर, वो आप सभी को हमने दर्शन कराए आनंदपूर्वक, हमें यहाँ पे दर्शन हुए। आप सभी को यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस सरोवर की व्याख्या मैं किसी भी रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, ये सरोवर अपने आप में बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव है। काफ़ी समय से हमारा मन था यहाँ पर आने का, लेकिन समय के अभाव से हम यहाँ पर आपको लेकर नहीं आ पाए इससे पहले। आज यहाँ पर हमें जिसे कहते हैं आने का सौभाग्य मिला, यहाँ पर आए हम दर्शन कराने के लिए आप सभी को। आई होप कि आपको आनंद आया हो दर्शन करके, अच्छा लगा हो। और आप सभी को यहाँ पर जो यात्रा आई थी वो कैसी लगी, जो जितने भी हमने आपको यहाँ पे शॉर्ट्स दिखाए हैं, जितने भी हमने आपको बी रोल दिखाए हैं, दर्शन कराए हैं, आपको यहाँ पे कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। कोशिश हमारी आप सभी के लिए ये रहती है कि हम आप सभी को अनसीन प्लेस के दर्शन कराएं, इसलिए स्पेशली हम इस बार हमने ब्रज से बाहर हम आप सभी को लेकर आए हैं। लेकिन ये भी भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वहाँ पर भी हम आप सभी को लेकर चलेंगे, दर्शन कराएंगे। स्पेशली हम आप सभी के लिए ही यहाँ पे आए हैं। आई होप कि आपको आनंद आया हो, दर्शन करके अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप सभी को ब्रह्म सरोवर से राधे राधे, आनंदपूर्वक दर्शन हुए हैं अगर आपको यहाँ पे और सरोवर के, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। हम आप सभी के जिसे कहते हैं सारे कमेंट्स रीड करते हैं जो भी आप हमें करते हैं, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टा पर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी लेकर आऊँगा आप सभी के लिए अनसीन प्लेस। और तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को राधे राधे।